नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली में कितने आफताब हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि मेहरौली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की तरह एक नया टुकड़े टुकड़े कांड दिल्ली के पांडव नगर में सामने आया है। इस हत्याकांड ने दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया है। ये मामला रिश्तों के खून का वो केस है जिसमें एक बेटे ने बाप की हत्या की और उसके साथ हत्या में माँ भी शामिल रही। दरअसल श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की उलझी गुत्थी सुलझाने में जुटी दिल्ली पुलिस ने पांडव नगर में इस बड़े मामले का खुलासा किया है। इस हत्याकांड में भी श्रद्धा की ही तरह शातिराना हरकत और क्रूरता सामने आई है। दिल्ली के पांडव नगर में लगातार इंसानी शरीर के टुकड़े मिल रहे थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर ये इंसानी टुकड़े किसके हैं और इन्हें कौन फेंक रहा है। लगभग 6 महीने तक चली पुलिस की जांच ने आखिरकार गुनहगारों को गिरफ्तार कर ही लिया। दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया, दरअसल वो खुलासा सबूत बनकर सीसीटीवी में कैद हो चुका था। जिस तरह आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़े जंगल में फेंकने जाता था, उसी तरह पांडव नगर के माँ बेटे अंजन नाम के शख्स के टुकड़ों को रात के अंधेरे में फेंकने जाते थे, लेकिन वो सीसीटीवी से बच नहीं पाए। बस यही सीसीटीवी की फुटेज उन तक पुलिस को पहुंचाने का काम कर गई। एक लाइन मर्डर केस था पीएस पांडव नगर का, जिसको सॉल्व किया है। इसमें बेसिकली जो शुरुआत है सिर्फ 5 जून को रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक, तो शुरू में दो पैर, दो थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR पीएस पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जदोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की UID भी बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रूसम मर्डर लगा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी जो रेडी रेंज की टीम और इंस्पेक्टर राकेश के अंदर इनका ब्रेक थ्रू हुआ, जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाया। इसमें बेसिकली उन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बार ही कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से सॉरी मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था, तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस में जब हमने इनको जाके इंटरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। फुटेज में दिख रहा है कि कैसे माँ बेटे शव के टुकड़ों को बैग में भरकर सुनसान जगह फेंका करते थे। अब आपको तफसील से पूरी वारदात बताते हैं। दरअसल पांडव नगर में इंसानी टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई थी। दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। फिर एक दिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने माँ बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने दिल्ली के दूसरे श्रद्धा कांड पर मुहर लगा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस हत्या में शामिल महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिस शख्स का मर्डर हुआ उसका नाम अंजन दास था, जबकि उसके टुकड़े फेंकने वाला उसका बेटा निकला जिसका नाम दीपक है। हैरान करने वाली बात यह है कि अंजन दास की हत्या उसकी पत्नी पूनम और बेटे दीपक ने ही की थी। पुलिस के मुताबिक अंजन दास का कैरेक्टर खराब था, कई महिलाओं के साथ उसके अवैध संबंध थे, यहाँ तक कि वो अपने बेटे दीपक की पत्नी पर भी गलत नजर रखता था। अंजन दास की हरकतों से उसकी पत्नी और बेटा परेशान थे। ऐसे में एक दिन माँ बेटे ने मिलकर अंजन दास को नशे की गोलियां खिलाकर उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद चाकू से अंजन दास के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रोजाना एक एक टुकड़ा कभी पांडव नगर तो कभी पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता था।
सुखदेव तिवारी इसको छोड़ के वहाँ एक बच्ची भी हो गई थी इससे, वो आ गया दिल्ली रहने के लिए, और दिल्ली में आने के बाद इसने इससे संपर्क तोड़ दिया। तो ये वहाँ से ढूंढती भी आई सुखदेव तिवारी को, सुखदेव तिवारी इसको कहीं नहीं मिला और इसको कल्लू टकरा गया। फिर ये कल्लू के साथ रहने लगी और कल्लू से इसके 3 बच्चे हुए, इसमें 2 लड़कियाँ और एक ये चौथा तीसरा दीपक नाम का लड़का। वहाँ पे रहते रहते फिर कल्लू भी शराब वगैरह के नशे में इसके साथ बदसलूकी करता रहा, इसको अपना जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियाँ आई, और फिर धीरे धीरे इसको ये अंजन दास जो तीसरा आदमी है ये टकराया, और अंजन दास के प्रति इसको कुछ उस समय लाइकिंग होगी, और ये जैसे ही कल्लू की मौत हुई लीवर फेलियर से तो अंजन दास के साथ रहने लगी। और अंजन दास का इसको नहीं पता था कि उसकी बिहार में एक ऑलरेडी एक फैमिली है और इसके 8 बच्चे हैं वहाँ पे जो बिहार में रह रहे हैं। जब ज़्यादा दिक्कत तब आई जब दीपक की शादी हुई, और जब दीपक की वाइफ आई उसके ऊपर इसने बुरी नज़र रखना शुरू किया, और एक इसकी बहन भी जो डाइवर्स हो गई वापस यहीं रहने लगी थी इनके साथ, उस पर भी इसकी बुरी नज़र थी। तो कुछ दिनों से ये परेशान थे कि जितना पैसा हम लोग कमाते हैं वो ये हमसे ले लेता है, और साथ में हमारी जो बहू बेटी बहू है या बहन है उस पर भी बुरी नज़र रखी। ये सब करते करते इन्होंने आखिर ये सोचा कि ये इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको मार डालेंगे और इस प्रकार से मारेंगे कि इसका कोई सुराग ही ना मिले, और इसके आगे पीछे कोई पूछने वाला है नहीं बिहार में, तो इसके सारे सुराग या सबूत हम उठा करेंगे। इन्होंने जैसा अमित ने बताया इसको पहले शराब पिलाई 30 मई को अपने कमरे पे, और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं नींद की गोलियाँ मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इसको इन्होंने उसको स्टैब जो होता है चाकू और डैगर जो थी उनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के छाती के वहाँ पे करके मार दिया। जब इनको लगा इन्होंने वो देखा सांस वांस सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी में रात भर तक कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की, और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन में रखते गए, और फिर उसको बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई जो जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए, वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे। 3-4 दिन में इन्होंने और जो खोपड़ी थी उनको उन्होंने ताकि वो ना मिल जाए उसको गाड़ में ही थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके। लेकिन माँ बेटे की ये करतूत ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकी। 6 महीने पहले 5 मई को इलाके में मानव अंग मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई थी। इलाके में गश्त के दौरान पुलिस को पांडव नगर के कल्याणपुरी ब्लॉक के सामने रामलीला मैदान में झाड़ियों के पास से एक बैग में मानव अंग मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शरीर के अंगों को LBS मुर्दा घर में रखवा दिया गया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को कुछ CCTV फुटेज भी मिले, जिसके आधार पर जांच करते हुए 6 महीने बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के इस नए टुकड़े टुकड़े कांड से देश दहल गया है। रिश्तों के खून का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। भावनाएं किस कदर पत्थर होती जा रही है उसकी बानगी है ये कि श्रद्धा और अंजन दोनों ही हत्याओं में शव के टुकड़े किए गए, फ्रिज में रखा गया और फिर उन्हें दिल्ली में सुनसान इलाकों में फेंका गया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि एक ही तर्ज पर हुई दोनों हत्याएं मई के महीने में ही हुई। बहरहाल पुलिस ने एक मामले में आरोपियों से जुर्म कबूल करवा लिया है, लेकिन देखना होगा कि श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को गुमराह करने वाला आफताब कितने दिन तक सजा से बच पाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।